फिल्म स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आशाओं और विचारों के आधार पर बनाई गई है। काश वो आज हमारे दरमियान होती। सुनते रहो जी। हाँ जी। कंवलजीत कौर शांति देवी से जायदाद का बंटवारा करवा रही है। अच्छा, मगर क्यों? वह कहती है हम सिखे और शांति देवी हिंदू, इसलिए। तो अब वो सिख हो गई है। क्यों नहीं, ना ही सर पर लक्ष्मण सिंह रहा और ना ही रामदास, जिन्होंने इस खानदान का नाम रोशन किया था। जब कमलजीत के विचार ही बदल गए तो कौन रोक सकता है उसे? अजी अपने शास्त्री जी रोकेंगे इसे, देख ली। बड़ी बहू, तुम्हारा नाम शांति है, तुम हो भी शांत और समझदार, घर घर में तुम्हारे नाम के चर्चे हैं, फिर तुमने छोटी बहू कमलजीत को इतना तंग क्यों किया जो ये अलग होना चाहती है? मैं तो इस पर जान देती हूँ, पर इसी का मन मैला हो गया है। जब तक हमारे पति थे हम दोनों में कभी तू मैं भी नहीं हुई। रामदास और लक्ष्मण सिंह की तो बात ही कुछ और थी, कोई नहीं कह सकता था कि वो एक बाप के बेटे नहीं है। हाँ शास्त्री जी, सगे भाइयों में झगड़ा हो सकता है मगर रामदास और लक्ष्मण सिंह में कभी नहीं। अरे इसीलिए तो लोग आज भी उनके प्यार मोहब्बत और दोस्ती की मिसालें देते हैं। मैं भी तो इन्हीं मिसालों को कायम रखना चाहती हूँ शास्त्री जी, मैं इसे गैर नहीं अपनी छोटी बहन ही समझती हूँ, लेकिन पिछले चंद महीनों से न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पर ये मुझसे हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है। मुझे तो हर समय उनकी बातें याद आती रहती हैं। आखिरी सांस लेते समय भी कहते थे कि शांति कमलजीत को कमल की तरह रखना, अपनी छोटी बहन समझना, मगर इसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। इसका बर्ताव देखकर मेरे पास रोने के सिवा और कोई चारा नहीं। आखिर किस बात की तकलीफ है इसे? अपने से अच्छा खाना देती हूँ, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने को देती हूँ, आखिर चाहती क्या है ये?